फ्रेंड, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डॉल इजी होममेड केक रेसिपी। तो हम डॉल केक घर पे ही कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखिए फ्रेंड हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत है इसमें। जी, मैंने एक डॉल लिए और ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है, 1.5 कप मैदा लिए और 1 कप शुगर, 1 कप दही और ये हम थोड़ा बटर यूज़ करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच सादा सोडा और ये हमको क्रीम, ये वेनिला एसेंस, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आधा कप शुगर को ग्राइंड कर लिया है और ये क्रीम है केक की। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्राई करें। अभी हमने एक बाउल लिया है, सबसे पहले हम इसमें दही ऐड करते हैं और शुगर ऐड करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको हमारी दही मिक्स हो चुकी है शुगर में, अभी हम इसमें ऐड करते हैं मैदा, सोडा, बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं इसमें, मिल्क आधा कप। अभी हम इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको मैंने 5 मिनट के लिए इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं बटर, इसमें बटर ऐड करते हैं, इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमने ये बर्तन लिया है और इसमें बटर लगाते हैं, बटर पेपर ऐड किया है और अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, सब अच्छे से ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये अभी इसको बॉइल में ऐड कर दिया। अभी हमने कढ़ाई में थोड़ा नमक ऐड किया है, अभी हम इसको इसमें रख देते हैं और इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, हमारा केक ऐसे अच्छे से बेक हो रहा है, आधा घंटा हो चुका है इसको और हम 5 मिनट के लिए इसको और कर लेते हैं बेक अच्छे से। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, हमारा केक बेक हो चुका है, अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से हो चुका है मेरा बेक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है, अभी हम इसका बटर पेपर निकाल देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, डॉल केक रेडी करते हैं अभी हम इसको। ये मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की है, इसको थोड़ा घोल लिया है, ये थोड़ा पाइपिंग बैग में क्रीम की है और ये लिया है और ये इसको काट लिया है ऐसे केक को। अब इस पर थोड़ा शुगर सिरप ऐड करके और इसमें थोड़ा क्रीम ऐड कर लेते हैं और इस पर थोड़ा ये लगा कर बीच में इस पर रख देते हैं, इसको ऐसा फैला दिया है क्रीम को और ये रख दिया एक पीस। अभी इस पर मैं क्रीम लगा देती हूँ, ये मैंने इस पर क्रीम लगा दी है। अभी दूसरा पीस भी ऐसे सीरम और क्रीम लगा के इसमें ऐड करना है, ये सब हमको ऐसे कर ऐड करने हैं सारे पीस। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे चिपका दिए, अभी इसके चारों तरफ हम क्रीम ऐड कर देते हैं चम्मच पूरे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से इस पर क्रीम लगा दी है, अभी हम इसमें ऐड करते हैं डॉल। देखिए इसमें डोल ऐड कर दिए, अभी ये हमारे पास क्रीम है, इसमें हम ऑरेंज कलर ऐड करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कलर डालकर रेडी कर लिए क्रीम, ये पाइपिंग बैग लिया है, इसमें रोज शेप में नोजल ऐड किया है, अभी क्रीम इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसे करके इसकी चोली अच्छे से डिज़ाइन बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ से इसके ऐसे रेडी किए, फ्रॉक पीछे से भी ऐसे अच्छे से बिंदी बिंदी करके अभी हम इसका नीचे का ही रेडी करते। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी फूल बनाने हैं हमको, पूरी फ्रॉक पर ऐसे। देखिए हमारा डॉल केक रेडी है एकदम बाहर के जैसा।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक रेडी है।